इस हाई स्कूल में जो है जब आया हूँ अभी से मैं लगा इसलिए नक्शा ओरिजिनल रखा गया है वो दिखा रहे हैं। इतना चौड़ा जो है ये जो है घर है यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है इसका जो है मैप दूसरा है नापने का इतना चौड़ा नहीं होगा। अब इसको नाप के इतना नहीं होगा, इसको इसका एक चौथाई जो एक मैप इसका अलग है उसका एक चौथाई लिया जा रहा है, तो यानी सबसे कम जहाँ तहाँ बांध में कड़ी है अधिकता। जिसका मेरे पास खसरा खतौनी सब है, ये नहीं है कि आंग पेपर। ये जितने आप देख रहे हैं, ये जितने लोग अगल बगल हैं, ये कोई भी जो है नहीं उसका जमीन नहीं है जिसके नाम से है। आज भी वो मर भी ला गया, खत्म हो गया, तीसरे लोग आकर के कब्जा करके बैठे। जो तो भी अध्यक्ष चुन करके आया उसने इस नगर पंचायत के विकास के बारे में अगर 1% भी अगर जो सोचा होता तो आज इस नगर पंचायत का ये दशा नहीं होती। वो सिर्फ उसने अपने पॉकेट का विकास सोचा कि मैं कौन सा कार्य कराऊं जिससे मेरे पॉकेट का विकास हो। आप देख लीजिए, मुझे आए हुए मुश्किल से 5-6 महीना हुआ, लेकिन मैं लंबा रोड जो है वो जो कि आपका इस नगर पंचायत में उतना चौड़ा कोई रोड नहीं बना है। जो मेरा 2-3 रोड बन रहा है, आज भी 7 मीटर चौड़ा मेरा नगर पंचायत में रोड बन रहा है। मानसिकता क्योंकि किसी से मेरा डाउन मेरे का झगड़ा नहीं है। इसमें रोड के किनारे बसे हुए मैं जानता हूँ कि लगभग 50% लोगों ने भी मुझे वोट दिया। बहुत बरसों से नगर पंचायत ये है, आज से नहीं, ये बहुत जमाना से नगर पंचायत ये बसा हुआ है, सैकड़ों बरसों से है, टाउन एरिया है। और ये नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा ये बार बार नोटिस दिया जा रहा है, तोड़ने की धमकी दी जा रही है। तो क्या लगता है देशभक्त किया जा रहा है? अब क्या कहा जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा। कभी कई अध्यक्ष आए, उन लोगों ने कभी ऐसा कोई आवाज भी नहीं उठाया कि नगर पंचायत ये तोड़वाया जाएगा चाहे नहीं तोड़वाया जाएगा, इन सबों ने कभी नहीं किया। और बहुत ऐसी मकाने हैं, इस पर रजिस्ट्री कराया हुआ है जमाना से, और रजिस्ट्री करा के नक्शा पास करवा के उसके बाद बनवाया गया है। यहाँ पे कितने परिवार से प्रभावित? लमसम सैकड़ों परिवार से ज्यादा ही, मतलब हजारों की संख्या में परिवार होगा। इसमें मकान तोड़ने कह रहे हैं, कुछ फीट तोड़ने की बात कर रहे हैं। कई अभी इन्होंने राय नहीं किया कि कई फुट हम तोड़ेंगे, नापी तो नापी के हिसाब से कह रहे हैं कि हम 50 फुट कम से कम तोड़ेंगे, 40 फुट। नोटिस दिए हैं कि हम तोड़ देंगे मेमो बेस पर, वो भी 28 तारीख को का नोटिस बना है और 3 तारीख को हम लोग को दिया गया है। कितने लोग उससे प्रभावित होंगे? इससे देखिए जनता तो हजारों प्रभावित होगी, कम से कम 200 परिवार, 200-250 परिवार प्रभावित होंगे। और इस तरह का किसी को कोई अधिकार नहीं है। यदि ये ऐसा करते हैं, यदि नहीं मानेंगे तो मैं ये कहता हूँ इस लाड़ की जनता भी सुन ले कि मैं इस चौराहे पर आत्मदाह करूंगा। मैं सतीश चंद्र बर्नवाल, मैं इस बात को कह रहा हूं कि इसी चौराहे पर, बल्कि मैंने मित्रों से भी कहा है कि चौराहे पर आत्मदाह करूंगा यदि हमारे रोजी रोटी और हमारे भरण पोषण पे आएगा तो। ये न जाने किस देशभक्त किया जा रहा है। ये लोग न जाने किस तरह किसी को उजाड़ने का अधिकार नहीं है। यदि आप बसा नहीं सकते हैं, यदि आप जिला नहीं सकते हैं, तो कैसे मार सकते हैं किसी को? ऐसा ये बिल्कुल अपराध का विषय है। ये टाउन एरिया 1800 कुछ बरस की टाउन एरिया है ये, और जब से टाउन एरिया है हमारे बाप दादा तभी से यहाँ रह रहे हैं। जमीन मतलब दुकान तोड़वाने के लिए आपने नोटिस दिया, क्या है मामला, क्या करवाई? जबरदस्ती। मैं नगर पंचायत का रोड है मेरा, जिसका मेरे पास नक्शा है, ऑलरेडी नक्शा है आपके पास, अभी आप देखे भी हैं नक्शा। मैं अपने रोड की ज़मीन को खाली करा रहा हूँ, मैं किसी का ज़मीन नहीं खाली करा रहा हूँ। अभी तो गनीमत ये कि उन लोगों के ऊपर इतना दिन तक का मैं अपने ज़मीन का किराया नहीं ले रहा हूँ। अभी उन लोगों को जो है इसका जो है भागी मनाना चाहिए कि आज मैं उन लोगों से किराया नहीं वसूल कर रहा हूँ। केवल मैं अपने रोड का ज़मीन नापी करा दिया हूँ, जिसको तहसीलदार लेखपाल कानगोया करके नापी भी कर दिए हैं। और मैं अपने ज़मीन को खाली करने के लिए उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा आप नगर पंचायत का रोड में ज़मीन खाली कर दीजिए, क्योंकि उसी रोड पर जाम लगने की वजह से कई लोगों का मृत्यु हो गया, जो है हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया। अभी हाल ही में एक औरत मरी है, 1-1.5 हफ्ता पहले, आप पता करिए, एक औरत जाम में फंस गई थी, उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद भी लोगों को शर्म नहीं है कि मैं नगर पंचायत के रोड का ज़मीन जो है मैं कब्जा किया हूँ, उसको मैं खाली कर दूँ। आपने नोटिस में हवाला दिया, नगर पालिका एक्ट का दिया है, जबकि नगर पंचायत है। तो ये हवाला मैं दिया हूँ तो वो नगर पंचायत एक्ट, नगर पालिका एक्ट के तहत ही, जो नगर पालिका में जो नियम कानून है, नगर पंचायत को ही नियम पर वही फॉलो होता है। दोनों का नियम एक ही है। उनका कहना कि वो आप उनको प्रताड़ित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो अपना बता दें, अगर जो उनको मैं प्रताड़ित कर रहा हूँ तो अपने ज़मीन का खसरा खतौनी इंतकाप लेके आवे और अपना नपवा करके हमको बता दें कि ये मेरा ज़मीन यहाँ तक ले आ रहा है। मैं उनके ज़मीन में काहे उनको मैं प्रताड़ित क्यों? उनसे मुझसे डालमेट का कोई झगड़ा तो है नहीं। वो अपना नपवा करके हमें बता दें कि यहाँ ज़मीन मेरा यहाँ तक ले आ रहा है। मैं जो नापी कराया हूँ, लेखपाल कानगो जो मेरे आकर के नापी किए हैं, जिसमें तहसीलदार साहब भी आए हुए थे, तो वो गलत है, उसको साबित कर दें कि ये नापी गलत है मेरा। वो नापी करके हमको समझा दें, भाई ये मेरा नापी सही है, आप यहाँ से आपका रोड बना, हमको समझा तो दें। अतिक्रमण हटाने में क्या मंशा क्या है नगर पालिका का? मंशा है कि स्वच्छ जो है भारत, हमारे प्रधानमंत्री के जो है ये है कि स्वच्छ भारत हो। तो स्वच्छ भारत के अंतर बनाने के लिए नगर भी अगर स्वच्छ नहीं रहेगा और जब तक ये चौड़ा नहीं होगा रोड, अभी मेरे रोड का जमीन कार्यक्रम है, उसको हम खाली नहीं कराएंगे तो उसमें न बढ़िया ढंग से नाली बन पाएगा, न आने जाने का किसी का होगा, तो कहाँ से स्वच्छ भारत के जो है। तो ये योजना जब नगर पंचायत नगर पालिका में कोई चीज़ होती है जी तो वार्ड मेंबरों से बोर्ड में बैठक करके कोई प्रस्ताव पारित हाँ, मैं बोर्ड में बैठक करके कब पास हुआ है और कितनी फीट चौड़ाई का सड़क बनाना पास किया है। मैं मेरे बोर्ड में जो है ये 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी को मेरे बोर्ड का बैठक हुआ था, पहला बैठक हुआ था। मैं पहले बैठक में ही मेरे बोर्ड के सारे सभासदों की सहमति से ये हुआ कि ये नगर पंचायत का रोड है, इतना चौड़ा है, उसको हम लोग खाली करा करके रोड बना कर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो मेमो दिया गया है यहाँ के व्यापारियों को वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है और ये प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी गुंडागर्दी और तालिबानी फरमान के वजह से यहाँ के नागरिक और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी 3 साल पहले मैंने अपनी दुकान बनवाया है, उसी टाउन एरिया कार्यालय ने उसको पास किया है, उसी कार्यालय द्वारा स्वीकृत नक्शे पर हमने अपना भवन निर्माण कराया है। अब रही बात यह कि जब ये जो चौड़ीकरण का मामला ये कर रहे हैं, इनके पास कोई उसका आधार नहीं है, इनके पास कोई कागज नहीं है, कागज और नक्शे में कोई इसका वो क्या नाम है पैमाइश नहीं है। और जिन एक्ट का ये हवाला दे रहे हैं अपने मेमो में, उस वो एक्ट म्यूनिसिपल एक्ट है, बल्कि वो क्या नाम है म्यूनिसिपलिटी के लिए है, न कि टाउन एरिया के लिए। उस पर टाउन एरिया पर लागू भी नहीं हो सकता। ये तो ये निराधार रूप से मानसिक तौर पर यहाँ के व्यापारियों में उत्पीड़न पैदा करके उनको टार्चर करके